नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम। जैसा कि आप हमें जानते हैं, तो अभी हम गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट में हैं और वलसाड में माँ विश्वम्भरी देवी का मंदिर है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने देखा यहाँ पे, तो ये गुजरात में जो मैंने देखा वो मुझे लगा नहीं कि यहाँ पे होना। देखा होगा कि ये अपना गोकुल मथुरा है, वृंदावन है, वहाँ पे जो है गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण भगवान और यशोदा माता जी हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने वाली हैं, तो हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, यशोदा माता और कन्हैया जी भी हैं। माखन वगैरह चोरी वोरी वाली सीने तो आपको दिख रही होगी, थोड़ा सुनो गोवर्धन में आपको दिखाएं कि ये देखिए गोवर्धन पर्वत भी यहाँ पे है। भैया थोड़ा दिखाओ, हमें मत दिखाओ, हम तो बोलते रहेंगे। तो ये है गोवर्धन पर्वत, जो कि आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ मथुरा में है, ऐसा नहीं है। मथुरा के अलावा यहाँ पे भी गोवर्धन पर्वत है। आइए आपको थोड़ा बगल करके दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बाउंड्री लगाई गई है, इससे अंदर हम जाके आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन जितना हमको दिख रहा है उतना आप भी देखने की कोशिश करिए। और ये पर्वत है और इस पे मतलब पानी भी गिरता है, और जिस जिस जगह पे हमको दिख रहा है। और दोस्तों, जिस जगह पे अभी हम हैं यहाँ पे बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता है। हर 5-10 मिनट में बारिश आ जाती है, बादल बहुत तेज हो रहे हैं। तो जितना वीडियो हमारा बन पाएगा उतना हम आपको दिखा देंगे। बाकी वीडियो एडिटिंग के बाद ही मिलते हैं आपसे। तो चलिए, इसी क्रम में आपको और आगे कुछ दिखाते हैं। कन्हैया जी, आपको अगर फोकस में दिख रहे हो तो थोड़ा हम कहेंगे भैया दिखाओ जरा। हाँ, ये देखिए कन्हैया जी ने पहाड़ को उठा रखा है। और चलिए, और भी काफी चीजें यहाँ देखने लायक बारिश आ हैं। गई। अब बारिश आ गई है, देखिए आपको अगर दिख रही हो तो। अब अभी हम छिपने कहीं जा रहे हैं फिर। और जिन लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं होता ना, जो है यहाँ बारिश होती रहती है, तो आप देखिए 2 मिनट पहले यहाँ धूप निकली थी और अभी बारिश होने लगी। और इस बारिश का पता नहीं कब तक हो, कहो पूरा रात भर होती रहे। और अगर इस पर रुकने के इंतजार में रहोगे तो यही बने रहोगे, नहीं जा पाओगे घर। तो हम लोग छाता लेके चलते हैं, हालांकि छाता गाड़ी में रखा, भूल गया लाना। तो चलिए अभी चलते हैं, फिर बारिश बंद होने के बाद में। तो इसी क्रम में दोस्तों, हम दूसरी तरफ आए जहाँ पे आपको दिख रही होंगी गाय। आप सोच रहे हो कि मंदिर में गाय क्या मतलब है, क्योंकि अपने इधर तो होती नहीं है। लेकिन ये नॉर्मल गाय नहीं है, ये वो गाय है जो बचपन में कृष्ण भगवान चराते थे। और इन गायों को यहाँ पे तरीके से रखा गया है, और आप देख रहे हैं कि ये जैसे ही अपना मल गिराती है तो वहां पे साफ कर दिया था, बिल्कुल यहाँ पे गंदगी आपको नहीं दिखेगी। और इन गायों का, सभी गायों का इनका नाम है, जैसे भैया थोड़ा दिखाओ ऊपर नाम। फिर देखिए इस तरीके से हर किसी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से इन गायों का नाम भी है। और दूसरा जो है नाराज हो रहे क्या, और इनका इनका चेहरा देखिए, चेहरे की बनावट अपने इधर इस टाइप की गाय बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। देखिए सभी गायों की बनावट है, और ऐसा माना जाता है कि इनका दूध बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। और आपको देखो क्रम से दिखाएं तो पूरा यहाँ पे इनको मेंटेन किया गया, सबको खाने पीने का मिलता है, और जैसे ही वो गोबर करते तुरंत उठा लिया जाता है। तो चलिए इसी क्रम में फिर और आगे आपको कुछ दिखाते हैं इंटरेस्टिंग, बन रही है वीडियो में। तो दोस्तों, इस मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे, मंदिर परिसर में कैमरा वैन है, वहां पे कैमरा और मोबाइल आप नहीं ले जा सकते। लेकिन आप जब अंदर जाएंगे तो आपको, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में इमेज में, एक पूरा पृथ्वी का एक वो बनाया गया है, क्या बोलते हैं, मतलब पृथ्वी को एक तरीके से दिखाया गया है। तो अंदर, इसके अंदर मंदिर के अंदर जाएंगे तो ब्रह्मांड भी है, एकदम ब्रह्मांड जैसा ही उन्होंने बना रखा है। और जब आप ऊपर जाएंगे, पीछे देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, तो जो हिमालय है वो भी उन्होंने बना रखा है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप अगर कभी भी इधर आना होता है तो एक बार इस मंदिर में जरूर आए, और आप सर्च कर लीजिएगा। मंदिर का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप भूल जाते हैं बार बार तो हम आपको एक इमेज दिखा देते हैं। भैया दिखाते हैं ऊपर, हो सकता है थोड़ा जूम करके देखोगे तो दिख जाएगा। बाकी अभी हम जो मेन गेट पे जो सीन रहेगी वो भी आपको दिखाई देंगे। चलिए, अगर आपको ये मंदिर और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और हाँ एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट भूल ही रहे थे, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ और यहाँ के अगल बगल के लोगों ने हमें बताया कि अगर आप यहाँ आते हैं सच्चे मन से, कोई भी अपनी एक उम्मीद लेके, तो वो आपकी मनोकामना पूरी होगी अगर आप जो है
धैर्य पूर्वक थोड़ा इंतजार करेंगे और यहाँ पे सच्चे मन से दर्शन करेंगे। हालांकि ऐसा हर जगह माना जाता है, लेकिन यहाँ का कुछ हद तक लोगों से जो मैंने पता किया तो प्रैक्टिकली है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हम रॉकेट मांग लें, जो आपकी क्षमता उस हिसाब से मांगिए और थोड़ा परिश्रम करिए तो आपको मिलेगा जरूर। तो इस मंदिर की यही मान्यता है कि यहाँ पे जो भी मांगा जाएगा वो मिलेगा। तो आप तो नहीं आ पाए, लेकिन हमने आपको दर्शन कराए, तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक तो कर ही दो, और चैनल सब्सक्राइब करना हो ना करना हो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मिलते हैं बाद में।